स्टूडेंट्स, मान बेशक के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, संस्कृत के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 कल्पतरु पढ़ा था। कल्प वृक्ष के बारे में मैंने बताया और ये भी बताया कि बेताल पंचविंशति का अंश है और ये छोटी छोटी कविताल पंच 25 कहानियों का संग्रह है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि झिमूत वाहन जो था वो झिमूत वाहन और झिमूत केतु, तो झिमूत केतु का पुत्र था झिमूत वाहन और उसकी अच्छाइयों को देख करके राजा ने उसे युवराज बना दिया। आगे क्या होता है, चलिए हम लोग आगे की कहानी पुस्तक से पढ़ते हैं। आकर्णे तत् झिमूत वाहन अंतरचिंत आकर्णे तत्, इसे सुनकर झिमूत वाहन ने हृदय से सोचते हुए कहा, अहो बत, अरे वाह, ई दिशम अमर पादपम प्राप्यापि ई दिशम अमर पादपम, ई दिशम प्लस अमरम अमर प्लस पादपम प्राप्यापि प्राप्य प्लस अपि पूर्वे पुरुषे स्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितम्। कि इस प्रकार के इतने अच्छे वृक्ष को पा करके भी पूर्व पुरुषे प्लस अस्माकं हम लोगों के पूर्वजों ने तादृशं फलं किमपि ना दिशं, तादृशं उस प्रकार का फल किमपि ना साधितम्, क्यों नहीं इस वृक्ष का अच्छा फायदा उठाया। किंतु केवलम सिर्फ कंजूस की तरह इस जब कल्प वृक्ष था मन की कामनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष जब हमारे उद्यान में मौजूद था तब क्यों हमारे पूर्वजों ने कंजूस की तरह अर्थ प्लस अर्थिता मतलब उगाही किया प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साध्यामि, तब उसने कहा कि तद अहम अस्मात्, तत् प्लस अहम प्लस अस्मात्, मैं इससे मनोरथम अभिष्टम साध्यामि, मेरी जो मन की इच्छा है अभिष्टम साध्य, मनोरथम प्लस अभिष्टम, अभिष्टम जो मेरी अभिलाषा है, मेरी जो तीव्र इच्छा है, साध्यामि पूरा करूँगा। इति एवं आलोच्य स पितुरांतिकम आगाचर एवं आलोच्य, इस प्रकार आलोचना करके सोच करके विचार करके स पितुरांतिकम, पितु प्लस अंतिकम प्लस आगच्छत, ये आपका संधि बनने के बाद देखिए रा का आगमन हो गया, मा गच्छत इसका संधि का पितु प्लस अंतिकम, ये आपका विसर्ग संधि का है, जब विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। पितुरांतिकम आगच्छत, पितु प्लस अंतिकम प्लस आगच्छत, पिता के पास गया। आगत च सुखम सुखम आसीनम पितर एकांते निवेदयत, वहाँ सुखपूर्वक पिता को आराम से बैठे हुए देख करके उनसे एकांत में निवेदन किया, उनसे एकांत में कहा, तात तम तु जानासी एव यदस्मिन संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचि व चंचलम। कि उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी आपको तो मालूम है इस संसार में शरीर और धन बीची चंचलम धनम बीची पांच सब कुछ जो है लहर जो है वो जैसे धन लहर की तरह चंचल है, धन जो है देखिए लिखा हुआ भी है लहर की तरह चंचल है। एक परोपकार एवास्मिन ए प्लस अस्मिन संसारे अन संसारे न सही बताया था मैंने, अवग्रह है और की तरह उसका उच्चारण होता अस्मिन संसारे न स्वर यो युगांत पर्यंत यश प्रसूत है, जो युगों युगों तक हमें यश प्रदान करेगा। आज की कहानी बच्चों यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। यही आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर 4 अप टू टॉट।